तो इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बता दूं, जो क्वेश्चन आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे दिमाग की उपज दिखी है, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम में फेस किए हैं, पहला। दूसरा, कुछ इंसिडेंट रिसर्च हैं। कुछ तीसरा, हमारे कुछ स्टूडेंट द्वारा पूछे गए इंटरव्यू के क्वेश्चन थे, इन सब को संबलात करके हमने बनाया हुआ। ठीक है, जी जी तो चलिए इसका हम बताते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो हम ओपन करने जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखने में तो आपको आसान लग रहा होगा कि इस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन इज मल्टीप्लाई बाय 40, राइट। जी तो आप लोगों से इसमें करना क्या है कि इफ लगाया और इफ लगा के इसको बोला कि ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ग्रेटर देन 60, ऐसा हुआ 60, ऐसा हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, अदरवाइज 0 रखना है, राइट। जी लेकिन मुझे इसी काम को करना है विदाउट इफ, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों के कैसे करेंगे सर, विदाउट किस चीज के? पास? मुझे एक कंपनी ने पूछा गया था कि बिना ये इस्तेमाल किए हम यहाँ पे क्वांटिटी, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को फॉलो करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बताइए। इसको इस्तेमाल किए बिना करना है इसको, तो हाँ, मैं आपको, उसकी इस तरह कर सकते हैं। आप अपना, मैं आपको जो है ना 5 मिनट का टाइम देता हूँ रिसर्च, ये 5 मिनट ठीक के अंदर में मुझे ठीक बताइए कैसे। कर ठीक लेता है, अब कंसेप्ट को समझिए। हमने जी। आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब मैंने आपको इस स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि हम लोग डायरेक्ट इसको ग्रेटर हम लेते, क्योंकि नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इसका पार्ट नहीं है, ये स्वतंत्र है, जो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है, राइट। दूसरा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि सिस्टम जो है फॉल्स को 0 एंड ट्रू को 1 समझता है, ये हो गया 1, ये हो गया 0। अभी वो साबित कैसे करेंगे? साबित करने के लिए हमने सिंपल क्या किया कि इन दोनों को प्लस किया, रिजल्ट 1 आया। अगर मैं दोनों ट्रू करता हूं तो रिजल्ट आएगा 2, एक ट्रू एक फॉल्स करता हूं रिजल्ट 1। इसका साबित होता है कि फॉल्स 0 है, ट्रू 1 है, राइट। जी तो हमने क्या किया कि इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन 60, रिजल्ट रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आ गया। अब मैं इस पे अधिक ध्यान रखिएगा, मल्टीपल आपको मल्टीपल कोई भी ऑपरेशन करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय हमने 41 किया तो क्या होगा, फॉल्स जी क्या है? 0 है। अब 0 से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इससे क्या हुआ कि हमारा जो ग्रेस डेंस 60 है वो फिल्टर हो गया, जो कि 0 में कन्वर्ट हो गया, समझे। अब इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो अगेन हमें रिजल्ट उसी का आएगा जो ग्रेटर देन 60 है। कंसेप्ट क्लियर है? जी सर तो जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैं भी सोचा कि यार क्यों, आखिर क्यों? हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हर वर्जन में है, फिर भी क्यों? तब जाके मैं समझा कि इससे पता चलता है कि हम सोचते कैसे, क्या कर कि आखिर
ऐसे सवाल को सॉल्व करने का रीजन ये होता है कि जब आपके पास प्रॉब्लम हो तो आपको दूसरे एंगल से भी सोचना चाहिए। अगर सुटेबल एंगल से रिजल्ट नहीं आता है तो दूसरे एंगल से भी सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू नॉर्मल है कि ग्रेटर देन 40 हुआ तो पास, डबल फेल, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थ्री कि अगर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 200 तो स्टडी, अदरवाइज लॉन्ग रन, ये भी सिंपल है, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम है। अब इसमें हम आप इस एग्जांपल में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें है कि अगर एमआरपी ग्रेटर देन 60 है तो एमआरपी का 12% और टैक्स का 5%। ये चीज बताने का पर्पज यही है कि हम इसमें अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए टू को मल्टीप्लाई बाई 12 एंड ए टू को 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा सा देखिए टाइम का है कि अगर टाइम 22 से ऊपर हुआ तो ओटी आना चाहिए वरना नॉर्मल टाइम आना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके अंदर में कैसे डायरेक्ट टाइम को लिखे इस तरह से कि 22 इस तरह नहीं लिख सकते ना, टेक्स्ट बन जाएगा। तो उसके अगर टाइम या डेट ऐसा कुछ आया तो उसके लिए क्या किसी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, पहला तरीका है कि पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लो। राइट, या दूसरा तरीका है कि इक्वल इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन टाइम फॉर्मेट टाइम दी 22:00:00 यहाँ पे फिर कॉमा ओके ओटी अदरवाइज। ठीक है, मैं आ गया जी सर, डाउट इसमें नहीं सर। तो क्वेश्चन में सिक्स जाते हैं, ये भी हमने किया है आपके साथ, दोनों क्वेश्चन किए हैं और मुझे याद है कि आपसे पता होगा कि कैसे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन है ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी हम आपके साथ किया था। क्वेश्चन नंबर एट इंसेंटिव का है, जैसे ग्रेडिंग है ऐसे इंसेंटिव है, इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन ये भी हम आपके साथ कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन जो कि मैं आपके साथ नहीं किया हूं और मैं चाहूंगा कि इसी आप करें, इसको बोलते हैं स्लैब इंसेंटिव। इनकम टैक्स आप भरते हैं इंडिया में सॉरी कॉल जी? हाँ जी, इनकम टैक्स भरते हैं? इनकम टैक्स तो अभी हाँ तो भरते हैं, साल में जीएसटी भी आ गया अभी। देखिए इनकम टैक्स का स्लैब, मान इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना, 3 लाख तो फ्री है, 3 से 5 लाख तक 10% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, ऐसा है ना? ये पता नहीं था इनकम टैक्स का स्लैब मुझको। बिजली का बिल तो भरते होंगे आप, ऐसे होते हैं ना, बिजली का बिल तो भरते होंगे। हाँ, तो बिजली के बिल जो हम भरते हैं तो बिजली के बिल में क्या होता है कि अगर आपकी 200 यूनिट या 400 यूनिट गई तो आपको 3 रुपए कुछ पैसे का बिल चार्ज होगा, 400 से 500। इसी तरह से स्लैब है कि अगर 40 आया तो 20 रुपीज पर यूनिट होगा, 41 से 80 हुआ तो 60 रुपीज पर यूनिट होगा, 81 से 100 हुआ तो 80 रुपीज और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 100 पर यूनिट।
ठीक है, जी मतलब कि 35 रुपया किसी ने किया तो 35 मल्टीप्लाई बाई 20 हुआ, अगर किसने 45 मल्टी किया तो 45 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 50, समझे? तो नया मतलब कि 40 तो मिलेगा 20 रुपए के हिसाब से, लेकिन 5 मिलेगा 60 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 40 20 रुपए वाला स्लैब का है और 5 जो है वो 60 रुपए स्लैब का है। ऐसे अगर 85 कोई सेल करेगा तो जो 40 जो है 20 रुपए स्लैब का है, अगेन 40 जो है 60 रुपए का स्लैब का है, और जो 5 है वो 5 जो है वो 80 रुपए का स्लैब का है। जी बस मुझे लास्ट एग्जाम्पल आप लोग करके ले लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल करके आपको कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी इस से कमांड हो ठीक है सर।